कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भर में बंद हुए स्कूल एक बार फिर से खुलने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार की ओर से 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं फिर से लगाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे के लिए लगाई जाएंगी। कैथल से हमारे संवाददाता बबल कुमार की रिपोर्ट। सर, आज 14 तारीख का स्कूल ओपन हो चुके हैं 10वीं का स्कूल के, तो क्या रहेगा? देखिए, आज से हमारे जो स्कूल जो खुल गए हैं 10वीं और 12वीं के, इसके लिए सबसे पहले तो मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि उसके कोई सिम्टम तो नहीं है बच्चे के। फिर और जमा जो पेरेंट्स हैं उनकी अनुमति चाहिएगी कि वो अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार हैं। फिर जितने भी जो हमारे SOP जो थे, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसके अनुसार सारा का सारा वही लागू रहेंगे। बच्चों क्लासेज में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, अपने मास्क वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर लागू होंगी और 10 से 1 बजे तक ये स्कूल लगेगा। देखिए, जो एंट्रेंस गेट होगा उसके ऊपर बकायदा हमारी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जब वहाँ पर हमारे पास कुछ मास्क भी होंगे, अगर कोई बच्चा मास्क पहन कर नहीं आया तो उनको वो दे दिया जाएगा, और हाथ धोने के लिए हमारे पास जो भी इसके लिए एडिक्वेट संसाधन होंगे वो सब के सब वहीं पर रखे जाएंगे। इनके साथ साथ जितने भी टीचर हैं उन पर भी यही गाइडलाइंस लागू होगी। सर, देखा जाते हैं कि बच्चों को अभी भी डर, अभिभावकों को डर अभी कोविड-19 का, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो एक ही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट जो स्टेप उठाती है, गवर्नमेंट के फैसले जो होते हैं वो कुछ सोच समझ कर ही किए जाते हैं, तो आपको डरने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे सब हमारे बच्चे हैं, उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है, और उनकी एजुकेशन पढ़ाई के लिए अब बिल्कुल सही समय है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। सर, आपका पहले परिचय? मैं पवन कुमार गर्ग, यहाँ इस जो खुली अड्डा विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ। तो सर, आज स्कूल ओपन है 3 घंटे के लिए, क्या कुछ आपके द्वारा हमने मनाई गई जानकारी? हाँ, हमें ये सूचना 2-3 दिन पहले मिल गई थी विभाग की तरफ से कि 14 तारीख से बच्चों के लिए, 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। तो हमने शुक्रवार को ही इन कमरों को साफ करवा के उनको सैनिटाइज करवाया, सफाई करवाई, और बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से, बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को हमने सूचना दी कि बच्चों को स्कूल में आना है, लेकिन जो विभाग की तरफ से गाइडलाइन थी उनको अभी पालन करना है। सभी बच्चों को निर्देश दिए गए कि अपने माता पिता से सहमति पत्र लेके आएं, और नज़दीक का जो हेल्थ सेंटर है, PSC है, CSC है, वहाँ से डॉक्टर से एक बार जांच करवा कर एक वहाँ से अपना एक पेपर लेके आएं कि हमने जांच करवा ली है और हम स्वस्थ हैं। तो सर, कितने बच्चे आज स्कूल में? आज थोड़े बच्चे आए हैं, क्योंकि हेल्थ सेंटरों पे जो बच्चे गए थे वहाँ पर भीड़ होने के कारण हेल्थ सेंटर वालों ने ये कहा बच्चों को कि आप बाद दोपहर आएँ, तो बच्चे इस प्रकार की रिपोर्ट दे रहे हैं हमें। तो आज थोड़े बच्चे आए हैं, 24 बच्चे अभी तक 12वीं कक्षा के आए हैं और 7-8 बच्चे केवल 10वीं क्लास के पहुंचे हैं स्कूल में। तो सर, क्या अभिभावकों को क्या रोका आपने, आपको रोका, आपको दिखाया कि क्या बच्चों को बेच के राजी है? नहीं, पीछे भी जब स्कूल खुले थे हमारे विद्यालय में काफ़ी बच्चे आना शुरू हो गए थे, लगभग पूरे के पूरे बच्चे आना चाहते हैं। फिर यहाँ पर जब टीचर्स का टेस्ट करवाया गया तो कुछ टीचर यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो इसके लिए विद्यालय को बंद करना हमने चाहा था, कुछ दिन के लिए बंद भी किया, लेकिन फिर विभाग के द्वारा ही स्कूलों को 20 दिन की छुट्टियां कर दी गई थी। अब स्कूल खुले हैं, अब सभी बच्चों के दोबारा से जांच के जो सर्ट पेपर लेके आएंगे उनके अनुसार ही उन्हीं की एंट्री स्कूल में करने दी जाएगी। तो आज पहले दिन टोटल कितने बच्चे आज स्कूल में? हमारे स्कूल में आज 30-32 बच्चे हैं। सुमित नाम है सर। जोर की बोलो। सुमित सर। सुमित, काफ़ी दिनों के बाद स्कूल आना लगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कौन कौन सी शर्तों के साथ स्कूल आए हैं आप? सर, मास्क के साथ आए हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करके आए हैं और कोविड टेस्ट करवा के आए हैं। तो जैसे घर पे पहले ऑनलाइन पढ़ते थे, अब स्कूल में पढ़ना, क्या फ़र्क लगा दोनों?
सर घर पे तो मतलब इतना मज़ा भी नहीं आता था और ना पढ़ने का मन करता था, लेकिन स्कूल में आने पर हम सर कराते हैं ताकि थोड़ा मन भी करता है पढ़ने का और मज़ा भी आता है।